और मैं इसको टेस्ट करती हूँ कैसे बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन स्क्वेयर्स, बहुत ही मजे के, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, चिकन लिए हमने बोनलेस आधा किलो क्यूब्स में कटा हुआ, शिमला मिर्च ली है हमने एक अदद कटी हुई इस तरह साइज में, कुटी हुई लाल मिर्च ली है हमने 1 टेबल स्पून, हनी लिए हमने 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून, अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं आप 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे हम हसबे जायका, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक लिया है, पेपरिका पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप मत लें, अदरक पाउडर लेंगे हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे हम 1 टेबल स्पून, सिरका लेंगे हम 1 टेबल स्पून और ऑयल लेंगे हम 2 टेबल स्पून। और ये यहाँ पे हमने ये स्क्वायर स्टिक्स ली हैं वुडन वाली, तो ये मैंने 4 ली हैं, जितनी लगेंगी उतनी हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें चाहिए। अब हम सबसे पहले चिकन को सिरका और नमक लगा के रखेंगे, इन चीज़ों को हम साइड पर कर देते हैं। सबसे पहले हम चिकन में लगाएंगे सिरका और नमक, मिक्स करेंगे। और इसको साइड पे कर देंगे और दूसरी तरफ हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। एक बर्तन लेंगे, सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, पेपरिका पाउडर, हनी, और ऑयल 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बस, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चिकन में डालेंगे शिमला मिर्ची और ये सारा मसाला, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब वुडन स्टिक्स लेंगे, ये वाली, और इन पे हम ये लगाते जाएंगे, सबसे पहले चिकन फिर शिमला मिर्च फिर से चिकन फिर से शिमला मिर्च चिकन ये हो गया। इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। कोई दावत पर आ रहे हैं ना तो आप ये बना लें तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये रेडी है, मैं इसको ग्रिल करूंगी। आप चाहें तो आप पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास था ये ग्रिल पैन, मतलब पैन वाला ग्रिल है ये, तो मैं इसमें करूंगी। तो अब क्या करते हैं, अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और ग्रिल को गर्म करते हैं। तो चलें फ्लेम ऑन करेंगे और ग्रिल को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। पहले हम ग्रिल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, उसके बाद हम ये स्टिक्स जो हैं इस पर रखेंगे। ग्रिल हमारी गर्म हो चुकी है, मेरी जो स्क्वेयर्स है ना वो ज़रा लंबे में हैं, तो मैं इसे ऐसे रखूंगी इस तरह।
फ्लेम मैंने इस टाइम मीडियम टू लो रखी हुई है, आराम से ये पकेगा क्योंकि ग्रिल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है ना, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया। अगर ग्रिल अच्छे से गर्म ना हुई हो तो आप मीडियम कर सकते हैं। तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे, तो ये देखें ये देखिए, पहले हमने एक साइड से पकाया, अब मैंने दूसरी साइड चेंज की है, उसको पका रही हूँ, फिर मैं इसकी साइड, ये जो साइड है इनको पकाऊंगी, तो चारों तरफ से हमने इनको ग्रिल करना है। तो ये देखिए चिकन स्क्वायर्स हमारे ग्रिल हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे के ग्रिल चिकन स्क्वायर्स, बहुत जबरदस्त बनी है। आप इसे केचप के साथ ले सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस के साथ ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मैं इसको टेस्ट करती हूँ कैसे बने हैं। तो तैयार है हमारे बहुत ही मजे के, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ग्रिल चिकन स्क्वायर्स, बहुत ही जबरदस्त बने हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पर क्लिक करके लाइक विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत मजे के बने हैं, जबरदस्त है।